क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। अब आपको ये पता चल चुका है अभी तक आपने जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे कि गुणनखंड कब होगा और कब नहीं होगा। कब होगा गुणनखंड? जब आपका शेषफल जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है, यानी आपको सिंपली एक्स का मान निकालना है, जो भी एक्स का मान आएगा उसको आपने रख देना है जो आपको बहुपद दे रखा है। अगर लास्ट में आपका शेषफल जीरो आ रहा है तो वो गुणनखंड होगा, और शेषफल नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं होगा। सिंपली करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ नोट कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला दे रखा है आपको और कहा है कि जी एक्स पी एक्स यानी ये इसका गुणनखंड है या नहीं ये बताना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जी एक्स, जी एक्स दे रखा है आपको एक्स प्लस वन, और यहाँ ले लेते हैं इक्वल में जीरो और एक्स प्लस वन। प्लस का वन है, जब आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वन, यानी एक्स का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस का एक। अब ये माइनस का एक कहाँ रखेंगे, जो आपका पहला दे रखा है फर्स्ट का, यहाँ पे देखो जी एक्स बराबर दे रखा है ना एक्स प्लस वन, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने कितना रख देना है, माइनस का एक। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पर दे रखा है आपको समीकरण टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और लास्ट में आपका है माइनस का वन। चेक कर लेते एक बार, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, एक्स का मान कितना, माइनस का एक। तो रखते हैं माइनस का एक, देखो दो गुणा माइनस एक का क्यूब प्लस फिर एक्स का मान माइनस एक और ऊपर स्क्वायर, फिर आपका है माइनस दो की गुणा किससे करानी है, माइनस एक से, फिर आपके पास बाहर कितना है माइनस एक, और ये देखो मल्टीप्लाई में माइनस एक, माइनस एक किसके साथ गुणा में, इस दो के साथ। ठीक है, तो देखो दो गुणा माइनस एक का क्यूब करोगे, अभी मैंने समझाया था कितना आ जाएगा माइनस एक का क्यूब, माइनस का एक ही आएगा, क्योंकि आप पहले इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया था। तो माइनस एक का क्यूब आ जाएगा माइनस का एक, इसको रखते हैं, फिर प्लस माइनस एक का स्क्वायर क्या आया था, प्लस का वन आया था, पीछे समझ चुके हैं। देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस का ये और माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दो की गुणा एक से कराओगे कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, बाहर आपके पास माइनस का एक ही ये वाला, फिर दो की गुणा माइनस एक से माइनस दो, फिर प्लस वन, फिर प्लस टू, फिर माइनस वन, माइनस टू, प्लस टू, इससे ये कट, प्लस वन, माइनस वन कट, शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो आप बोलेंगे कि एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है, या फिर आप ये लिख दोगे कि जी एक्स कॉमा पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। ये हो गया बच्चों आपका कौन सा, सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट। चलते हैं अब सेकंड के सेकंड की तरफ। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं यहाँ से नोट कर सकते हैं, तो कर देता हूँ मैं इसको क्लीन। सेकंड नंबर जो आपके सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसको जल्दी से देखो और बताओ एक्स का मान क्या निकल के आएगा, जल्दी से अपने माइंड में सेट करके बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ क्या आएगा। यहाँ देख लेते, देखो एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स प्लस टू दे रखा है, जी एक्स दे रखा है आपको कितना है एक्स प्लस दो, यहाँ ले लेते हैं जी एक्स इक्वल टू जी एक्स जीरो और एक्स प्लस टू, प्लस का टू है इधर शिफ्ट करोगे माइनस टू इक्वल टू एक्स, एक्स का मान कितना आ गया माइनस दो। सेकेंड वाले को कर रहे हैं तो यहाँ पे पी एक्स दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर प्लस थ्री एक्स, और लास्ट में आपको दिया है प्लस का वन। ठीक है, और एक्स का मान आपका कितना है माइनस दो, तो रख देता हूँ माइनस दो का क्यूब प्लस का थ्री इंटू माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तीन गुणा माइनस दो, और फिर लास्ट में प्लस का वन। माइनस दो का क्यूब यानी माइनस दो गुणा माइनस दो गुणा माइनस दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा माइनस, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो ये आ जाएगा कितना माइनस का आठ, प्लस माइनस दो का स्क्वायर करो कितना आएगा, देखो माइनस दो गुणा माइनस दो ये हो जाएगा प्लस, दो गुणी दो सॉरी दो दूनी करेंगे कितना आ जाएगा चार, यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे माइनस दो के स्क्वायर को कितना आ जाएगा चार आ जाएगा किसका, प्लस का, फिर देखो प्लस का है तीन और गुणा में कितना है माइनस दो, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का छः, प्लस माइनस मिलके माइनस, तीन दूनी छः, प्लस का बाहर है आपके पास एक, तो यह है आपका माइनस का आठ, चार तीन हो जाएगा कितना बारह, माइनस का छः प्लस का एक, माइनस माइनस को जोड़ लेते देखो माइनस का आठ माइनस का छः कितना हो जाएगा माइनस का चौदह, और यहाँ पे बारह प्लस एक कितना हो जाएगा तेरह, तो आपके पास शेष कितना बच रहा है माइनस का एक, क्या बच रहा है शेष बच रहा है। तो बताओ ये गुणनखंड है या नहीं है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, माइनस का कितना बच रहा है आपके पास एक बच रहा है, तो बताओ है या नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे कि पी एक्स सॉरी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे आप लिख देंगे क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड
है या नहीं है? गुणनखंड नहीं है। आई होप बच्चों ये सेकंड नंबर भी जो आप कर रहे हो इसको भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। तो अब इसका जो लास्ट है सेकंड वाला उसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। अगर कोई स्टेप कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालो कि ये सर हमको आया नहीं, मैं तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो थर्ड वाले से हम पहले जी एक्स से एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दे रखा है एक्स माइनस तीन, जी एक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स माइनस तीन जी एक्स लेते हैं जीरो, एक्स माइनस तीन, माइनस का तीन इधर शिफ्ट करेंगे आ जाएगा प्लस का तीन, एक्स का मान कितना प्लस का तीन। समीकरण नोट कर लो, समीकरण दे रखा है आपको बहुपद जो दे रखा है एक्स की घात तीन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, एक्स का मान कितना तीन, तो यहाँ पर रख देते तीन का स्क्वायर माइनस चार और यहाँ पे तीन का स्क्वायर प्लस तीन प्लस छः, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे कितना तीन, तीन का स्क्वायर करोगे सॉरी स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना आएगा तीन आएगा, क्यूब है ना यहाँ पे, तो तीन का क्यूब करोगे देखो उसका मतलब क्या हुआ तीन तीन बार तीन तीन नौ, नौ तीन सत्ताईस, ये तो आ गया सत्ताईस। फिर माइनस तीन का स्क्वायर करोगे नौ और नौ के गुणा चार से करोगे कितना जाएगा नौ चौको छत्तीस, माइनस का छत्तीस और प्लस का तीन प्लस का छः। तो देखो तीन जोड़ेंगे सत्ताईस में कितना हो जाएगा तीस, फिर माइनस का छत्तीस और प्लस का छः, प्लस का छः जोड़ेंगे तीस में कितना आ जाएगा प्लस का छत्तीस और माइनस का इससे ये कट हो जाएगा क्या बचेगा जीरो। तो लिखेंगे यहाँ पे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है, क्या लिखूँ नहीं है, तो देखो जी एक्स क्या है पी एक्स का गुणनखंड, है क्यों क्यों है, क्योंकि शेषफल हमारा क्या आ गया जीरो आ गया। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट।